हिमाचल से ताल्लुक रखने वाली मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में जिला सिरमौर भाजपा ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। रेणुका भाजपा ने नायब तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति को कंगना रनौत के समर्थन में ज्ञापन भेजा। श्री रेणुका जी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में भाजपा के करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। महाराष्ट्र सरकार व बीएमसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़ना व उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से 24 घंटे का नोटिस कंगना रनौत को दिया गया ताकि उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही कार्यालय को तोड़ा जाए। मुंबई बीएमसी ने 24 घंटे से भी पहले ही कार्यवाही करते हुए उनके कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। भाजपा ने राष्ट्रपति से मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। जैसा आप सबको विदित है कि पिछले कल महाराष्ट्र की सरकार ने हिमाचल की बेटी के साथ क्या अन्याय किया, ये किसी से छुपा नहीं है। वहाँ की बीएमसी ने उसके घर पर बुलडोजर फेरा है और 24 घंटे का नोटिस दिया और समय से पहले ही, ताकि कंगना रनौत वहाँ ना पहुँचे, उससे पहले उसके घर को तहस नहस कर दिया। और जिस तरह से कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार ने बदला लेने की रनौत के खिलाफ साजिश रची है, उस विषय को लेकर आज हमने तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि ऐसी सरकार को वहाँ, जो महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस समर्पित सरकार है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो इस तरह से अगर कार्रवाई करेगी तो भारत में किस तरह से हम एक दूसरे प्रदेश में आ जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। PLTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, नाहन।